पटना जंक्शन पर मिलेगी एयरपोर्ट वाली सुविधा। पटना जंक्शन में अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलने लगेगी। बता दें कि पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी स्टेशन के बाहर गाड़ी पार्क करने में। अब पटना जंक्शन पर गाड़ी पार्क करने के लिए पैसे भी नहीं देने होंगे, क्योंकि एयरपोर्ट वाली सुविधाएं हैं, इसीलिए समय पर ही काफ़ी ख्याल रखना होगा। मतलब कि अगर आप अपनी गाड़ी को 3 मिनट के लिए पार्क करते हैं तो आपको पैसे नहीं देने होंगे, अगर इससे ज़्यादा समय होता है तो आपको पैसा देना होगा। बता दें कि पटना जंक्शन इस ओर काम करना शुरू कर दिया है। पटना जंक्शन के अधिकारियों का कहना है कि बिल्कुल एयरपोर्ट वाले नियम सख्ती से लागू होंगे। यात्री को बस पिक और ड्रॉप करने के लिए 3 मिनट का समय मिलेगा। इतनी देर ही बिना शुल्क वाली गाड़ी खड़ी हो सकती है। यहाँ पर लाइन में लगकर टिकट लेने की परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। यात्रियों बड़ी ही आसानी से अपना टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। बता दें कि प्रदेश के 4 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर मेट्रो कार्ड के तहत टिकट मिलेगा। इस सेवा की शुरुआत सबसे पहले पटना जंक्शन से ही की जा रही है। इसके बाद राजनगर टर्मिनल, उसके बाद दानापुर रेलवे स्टेशन, उसके बाद पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह कार्ड मेट्रो कार्ड की तरह होगा। इसके लिए कार्ड को रिचार्ज करना होगा। कार्ड की वेंडिंग मशीन में स्वाइप अप करने पर टिकट मिलेगा और उसके बाद कार्ड से बैलेंस कट जाएगा। बता देंगे दानापुर रेल मंडल में इस तरह के मेट्रो कार्ड की शुरुआत हो रही है। इसके बाद बहुत ही जल्द प्रदेश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की सुविधाएं बहाल की जाएंगी। इस वेंडिंग मशीनों को लेकर बोलते हुए दानापुर मंडल के DRM प्रभात कुमार ने बताया कि इस सुविधा की शुरुआत से लोगों का रेलवे से भरोसा बढ़ेगा, साथ ही लाखों लोगों का काफ़ी समय भी बच जाएगा। सबसे बड़ी समस्या लाइन लगने की समस्या है, इससे लोगों को छुटकारा मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पटना जंक्शन पर 6 मशीनें लगाई जा रही हैं, वहां पर मशीन आ गई हैं। बताया गया कि पटना जंक्शन के अलावा राजनगर टर्मिनल, दानापुर, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर 3-3 वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इससे जल्द ही कनेक्शन देकर रेलवे के सर्वर से जोड़ दिया जाएगा। जंक्शन के AEN को मशीन के इंस्टॉल कराने व चालू कराने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। DRM ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह सुविधा इन स्टेशनों पर पहले चरण में शुरू की जा रही है। इसके बाद आरा, बक्सर, पटना यानी कि पटना साहिब, मोकामा, राजगीर, नालंदा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा बहाल की जाएगी। यह भी बताया कि यह मशीन उन्हें स्टेशनों पर लगाई जाएगी जहां अधिक संख्या में अनारक्षित टिकटों की बिक्री होती है। ऐसे में स्टेशनों का रिकॉर्ड विभाग है जिसे क्रमवार शॉर्टलिस्ट कर प्राथमिकता के आधार पर टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। राजधानी पटना के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा बहाल होने के बाद यात्रियों की बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी, साथ ही लोगों का समय भी खूब बचेगा। बता दें कि वर्तमान में टिकट लेने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगनी पड़ती है। ऐसे में मशीन पास होने के बाद आप आसानी से अपना टिकट खरीद सकते हैं। हालांकि पार्किंग की सुविधा में 3 मिनट के अंतर पर अगर आप अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं तो आपका पैसा नहीं बचा जाएगा, नहीं तो फिर आपको पैसा देना होगा। हालांकि वर्तमान पार्किंग में जाने के बाद पैसा देना ही पड़ता था, चाहे आप जब कभी भी जाए, यानी कि 3 मिनट का समय हो या फिर ना हो। लेकिन अब जो सुविधा बहाल की गई है उसके तहत में आप किसी भी व्यक्ति को ड्रॉप अगर करने जा रहे हैं, 3 मिनट के अंदर ही अगर आप अपनी गाड़ी के पास पहुंच रहे हैं तो आपको पैसे नहीं देने होंगे। यानी कि आप पटना जंक्शन जो है वहां पे कई ऐसी फैसिलिटी जो है उसमें बदलाव होने वाला है और यह जो है एक एयरपोर्ट वाली सुविधा के तहत दिखाई देने लगेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।